हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट यू रिपेयर। मैं आपका दोस्त वसीम। आज मैं एक अलग वीडियो लेकर के आया हूँ, यूनिक वीडियो लेकर के आया हूँ दोस्तों। इस तरह का भी प्रॉब्लम जो है आपके फ़ोन में आ सकता है, तो चलिए हम आज इस वीडियो को देखते हैं और किस तरह का जो प्रॉब्लम है। चलिए सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखिए, दोनों सिम जो है मेरा इंसर्ट सिम बता रहा है, ठीक है। ये देखिए, मैं लॉक खोल के भी दिखाता हूँ आपको, इंसर्ट सिम बता रहा है दोनों सिम, हालांकि इसमें सिम लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो है दूसरा सिम, ये सिम ट्रे, दूसरा सिम ट्रे में भी हम लगा दिए इसको, और उसके बाद भी हम चालू करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें भी जो है इंसर्ट सिम ही बता रहा है, ठीक है। और यही सिम इस फोन में ठीक चल रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है कहाँ दोस्तों, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ है कि देखिए, ये है मेरे पास फोन, ठीक है। और फोन का जो है सिम ट्रे का जो पॉइंट है, ठीक है, इस पे भी परफेक्ट रीडिंग आ रहा है, ठीक है। मैं आपको चेक करा दूंगा, ये मेरे पास अच्छा बोर्ड है, इसीलिए मैं आप लोग को चेक कराने के लिए बोर्ड रखा है। इस पे भी जो है परफेक्ट रीडिंग आ रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था कि आप लोगों को पता चले कि अगर इस तरह का भी प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, अगर आप मेरे पास चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मैं इस तरह की यूनिक वीडियो आपके लिए लाता रहूँ और आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो चीज़ है, आप बोलेंगे कि हो सकता है सिम ट्रे खराब होगा, तो सिम ट्रे खराब होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको चेक करना होगा, ठीक है। तो मीटर को बजर रेंज पे रख लीजिए। अब बजर रेंज पे रखने के बाद जो है, देखिए ये जो परफेक्ट फोन है, ये जो अच्छा फोन है, इसको रीडिंग लेते हैं और उसके बाद हम इसको रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो रेड प्रोब को हम ग्राउंड पे रख लेते हैं, ये ग्राउंड है। और ये पॉइंट पे मेरा देखिए 550 के करीब रीडिंग आ रहा है, इसमें भी रीडिंग आ रहा है, इसमें भी रीडिंग आ रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट में भी रीडिंग आ रहा है, और इस पॉइंट में कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा, और इस पॉइंट में बीप आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें भी चेक करते हैं, ये देखिए इस पॉइंट में रीडिंग आ रहा है, इस पॉइंट में भी रीडिंग आ रहा है, इस पॉइंट में भी रीडिंग आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें नहीं आ रहा, ये देखिए इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। और इसमें जो है बीप का साउंड आता है, जैसे इसमें आता है, जैसे ओके फोन में जैसे रीडिंग है वैसा इस फोन में भी रीडिंग है, ठीक है। अब दूसरा ट्रे को चेक करते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें रीडिंग आ रहा है, इसमें भी रीडिंग आ रहा है, इसमें भी रीडिंग आ रहा है, इसमें भी रीडिंग आ रहा है, और इसमें देखिए इसमें नहीं आता है, और इसमें बीप का साउंड आ रहा है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें भी आ रहा है, 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 और इसमें नहीं आता है, और ये जो है ग्राउंड आता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये जो फोन है, ये मेरा ओके फोन है, ठीक है दोस्तों। ये मेरा ओके फोन है, मैं सिर्फ चेक कराने के लिए आपको दिखाया था। और इसमें मेरा रीडिंग परफेक्ट आ रहा है, फिर भी जो है मेरा इंसर्ट सिम आ रहा। तो इस तरह का कंडीशन में आपको कैसे काम करना है, यही आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, तब आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज देखिए कि फोन जो है वाटर डैमेज है, ठीक है, वाटर डैमेज है, इस वजह से जो है प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर मेरा बीप कर रहा था, ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे ठीक करेंगे। कभी कभी वो बीप कर रहा था, मिडिल वाला बीच वाला जो पॉइंट है वो बीप कर रहा था, इस वजह से जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है कोई भी जो है पॉइंट जो है ऐसा नहीं है कि जो है मतलब कि दबा हुआ है या खराब है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है हम इसको वॉश करेंगे, और ये जो है 100% सॉल्यूशन होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा अगर आपका फोन ऐसा जो है डेड भी आता है,
कई बार होता है कि फ़ोन डेड रहता है और आपका फ़ोन कोई भी शॉर्टिंग नहीं होता, तब भी ये ट्रिक आपका काम करेगा, ठीक है। तो हम अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेंगे, ठीक है। और वॉश करने के बाद जो है आपको करना ही होगा, और वॉश करने के बाद जो है सारा पिन को आप एक बार अच्छे से उठा के देख लीजिए। ठीक है, उठा के भी देख लेते हैं और इसको हम एक बार अच्छे से रिसोल्व करके भी देखेंगे। हालांकि रिसोल्व करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं मेरा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्योंकि मैं दोस्तों एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि पानी जाने के बाद जो है इन फोनों में ऐसे प्रॉब्लम आता है। तो सारा पॉइंट को हम एक बार रिसोल्व करके भी देख लेते हैं, ठीक है। पिन को उठा लिया, रिसोल्व भी कर लिया। अब जो हम सिम लगाते हैं, तो देखिए दोस्तों अभी भी जो है इसमें इंसर्ट सिम ही आ रहा है, ठीक है। तो अब जो क्या करना है दोस्तों, क्या स्टेप लेना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब जो स्टेप आपको लेना है कि आपको अगर आपका डेड फोन आता है और शॉर्टिंग भी नहीं होता है तो भी आप ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको जो है इस प्लेट को निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है, ठीक है। और प्लेट को निकालने के बाद जो है तो इसको निकालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आपको ये देखना है दोस्तों कि यहाँ पे जो है कोई वाटर डैमेज तो नहीं है, कहीं पानी तो नहीं है। तो फिलहाल तो मुझे कोई पानी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अब जो क्या करना है कि हमें इसको हल्का सा पेस्ट लगाना है, लगा के जो है हल्का गरम करना है, ठीक है दोस्तों। और गरम करके जो है थोड़ा सा सूख जाए और उसके बाद जो हम सिम लगा के देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों अब जो है मेरा सर्चिंग आया, देखिए एयरटेल आ गया। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये देखिए इसी तरह का जो है काम आपको करना है।